अर्ज करता हूँ, दौराएगा पलट के हमारे वकार का, दौराएगा पलट के हमारे वकार का, जब अरसा खत्म होगा तेरे इंतजार का, दौराएगा पलट के हमारे वकार का, जब अरसा खत्म होगा तेरे इंतजार का, होगी जमीन तंग यजीदों के वास्ते, होगी जमीन तंग यजीदों के वास्ते, जब दायरा बढ़ेगा तेरे इख्तियार का, दायरा बढ़ेगा तेरे इख्तियार का, उम्मत के काम आएगी तेरी ही रोशनी। बात बढ़वाइए। उम्मत के काम आएगी तेरी ही रोशनी, तू ही सबब बनेगा अंधेरों की हार का, उम्मत के काम आएगी तेरी ही रोशनी, तू ही सबब बनेगा अंधेरों की हार का। और ये मिसरा था छोलस में, ये मिसरा दिया गया था, गुलशन को इंतज़ार है फसले बहार का। तो तज़मीन समाज फरमाएं, तू ही सबब बनेगा अंधेरों की हार का, खिल शाख बूतराब के आखरी गुलाब, खिल शाख बूतराब के आखरी गुलाब, गुलशन को इंतजार है फसले बहार, खिल शाख बूतराब के आखरी गुलाब, खिल शाख बूतराब के आखरी गुलाब, गुलशन को इंतजार है फसले बहार का। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि बेवजह बद हवास नहीं है यजीदियत, बेवजह बद हवास नहीं है यजीदियत, वारिस बचा हुआ है अभी जुल्फिकार का,
बेवजह बेवजह बद हवास नहीं है यजीदियत, बेवजह बद हवास नहीं है यजीदियत, वारिस बचा हुआ है अभी जुल्फिकार का। बहुत शुक्रिया। बेवजह बद हवास नहीं है यजीदियत, बेवजह बद हवास नहीं है यजीदियत, वारिस बचा हुआ है अभी जुल्फिकार का। बहुत नवाजिश करम आपका। एक मरकबा समात फरमाएँ। कई हुक्म हैं मेरे लिए। हैदर साहब कबला तशरीफ़ फरमा है, मुलाद फरमाएँ। ये आरज़ू है के ऐसे लिखूं सनाए हुसैन, ये आरज़ू है के ऐसे लिखूं सनाए हुसैन, के लफ्ज़ लफ्ज़ से आने लगे सदाए हुसैन, ये आरज़ू है कैसे लिखूं सनाए हुसैन, के लफ्ज़ लफ्ज़ से आने लगे सदाए हुसैन, बस एक दौर को कहिए नाशनाए हुसैन। ये करबला की यूनिवर्सलिटी पे एक शेर है। करबला एक बहुत बड़ा इस्तेआरा है शायरी के लिए। बस एक दौर को कहिए नाशनाए हुसैन, हर एक सदी पे है छाई हुई सदाए हुसैन। और ये दुआ है, एक समात फरमा ले। हर एक सदी पे है छाई हुई सदाए हुसैन, तमाम उम्र ये सोचूं के हक अदा न हुआ। ये एक दुआ है, शरीक हो जाएं। कि तमाम उम्र ये सोचूं के हक अदा न हुआ, तमाम उम्र मैं करता रहूं सनाए हुसैन, तमाम उम्र मैं करता रहूं सनाए हुसैन। और बड़े एतमाद से ये लखनऊ में शेर पढ़ रहा हूँ कि मुहाजिरीन के खेमे बिखेरने वालों, मुहाजिरीन के खेमे बिखेरने वालों, मुहाजिरीन के खेमे बिखेरने वालों, तुम्हें समेट के मारेगा कल खुदाए हुसैन, मुहाजिरीन के खेमे बिखेरने वालों,
मुहाजिरीन के खेमे बिखेरने वालों, तुम्हें समेट के मारेगा कल खुदाए हुसैन। हर एक दौर में लानत का मुस्तहिक है यजीद, हर एक दौर में लानत का मुस्तहिक है यजीद, हर एक दौर में लानत का मुस्तहिक है यजीद। उठाए कोई उसे क्या जिसे गिराए उसे। दौर में लानत का मुस्तहिक है यजीद, हर एक दौर में लानत का मुस्तहिक है यजीद। उठाए कोई उसे क्या जिसे गिराए हुसैन। है आंधियों में भी रोशन हुसैनियत का चराग, है आंधियों में भी रोशन हुसैनियत का चराग। बुझाए कोई उसे क्या जिसे जलाए हुसैन। बुझाए कोई उसे क्या जिसे जलाए हुसैन। दो शेरों के लिए बहुत हुक्म हो रहा है नज़ीर बकरी साहब का, वो पहले सुन लीजिए। मैंने शाह वफा के लिए दो शेर कहे थे हज़रत अब्बास के, अर्ज़ करता हूँ। कितनी सदियों पे शुजात का ये पल भारी है, कितनी सदियों पे शुजात का ये पल भारी है। कट गए हाथ मगर हुस्ने अमल जारी, कितनी सदियों पे शुजात का ये पल भारी है। कट गए हाथ मगर हुस्ने अमल जारी है। सर पटकती हुई मौजों को तला तुम न कहो, सर पटकती हुई मौजों को तला तुम न कहो, सर पटकती हुई मौजों को तला तुम न कहो। ये तो दरियाओं का अंदाज़े आज़ादारी, बहुत शुक्रिया। ये हुक्म की तामील में एक दो शेर और सुन लीजिए, उसके बाद बस आखिर में एक मनफरद और फरमाइए। दो शेर ये बहुत अभी
कुछ ही रोज़ पहले मैंने कहे, समाप्त फरमाइए। उसे सलाम समझता है जो मकाम हुसैन, उसे सलाम समझता है जो मकाम हुसैन, जुबान चूम लूं उसकी जो लेवे नाम हुसैन। उसे सलाम समझता है जो मकाम हुसैन, जुबान चूम लूं उसकी जो लेवे नाम हुसैन। और ये देखिए शायरी का बहुत बड़ा दबिस्तान है लखनऊ, यहाँ शेर पढ़ रहा हूँ मैं, शायद किसी लायक हो। कि जुबान चूम लूं उसकी जो लेवे नाम हुसैन, मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मैं अपने ढंग से लेता हूँ इंतकाम हुसैन। बहुत नवाजिश। एक आखिर में ये तीन चार शेर और अर्ज करता हूँ जी। बेहतर बेहतर। उसे सलाम समझता है जो मकाम हुसैन, जुबान चूम लूं उसकी जो लेवे नाम हुसैन, मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मैं अपने ढंग से लेता हूँ इंतकाम हुसैन। बहुत शुक्रिया। तीन चार शेर आखिर में अर्ज़ करता हूँ, बहुत तवील फहरिस्त है, आखिर में ये लादा फरमाएं। मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मिटाता रहता हूँ, मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मैं अपने ढंग से लेता हूँ इंतकाम हुसैन। एक इसका एक हुक्म और आया है मेरे पास, दो तीन शेर और सुन ले मन का वक्त से पहले, तो मैं दो तीन शेर पेश कर देता हूँ। एक और मन का वक्त के हुक्म है कि सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है, हुसैन
इब्ने अली का गुलाम आया है, चराग खेमा के बुझने पे क्यों कहीं जाए। अब महसूस कीजिएगा शेर को कि चराग खेमा के बुझने पे क्यों कहीं जाए, हमें पसंद शहादत का जाम आया है, हमें पसंद। और ये शेर खास तौर से अर्ज करना चाहता हूँ, हमें पसंद शहादत का जाम आया है, बचा के दीन मोहम्मद कहा शहीदों ने, बचा के दीन मोहम्मद कहा शहीदों ने, ये घर का खून था घर के ही काम आया, बचा के दीन मोहम्मद कहा शहीदों ने, ये घर का खून था घर के ही काम आया है। ये तीन चार शेर आखिर में और समाप्त फरमा लें बस। मैं असल में पहली हाजिरी है तो काफ़ी हुक्म थे मेरे लिए, तो हत्तल इम्कान मैं तामील कर रहा हूँ। ले आओ चाहे लाख बहत्तर के सामने, ले आओ चाहे लाख बहत्तर के सामने, झुकते नहीं ये लोग सितमगर के सामने, झुकते नहीं ये लोग सितमगर के सामने। और बहुत तवक्को के साथ ये शेर अर्ज कर रहा हूँ, बाइख्तियार इश्क में बे इख्तियार है, बाइख्तियार इश्क में बे इख्तियार है, बंधवा के हाथ आया है सरवर के सामने, बाइख्तियार इश्क में बे इख्तियार है, बंधवा के हाथ आया है सरवर के सामने। अब्बास ने किया था जो वादा वफा किया, अब्बास ने किया था जो वादा वफा किया, बनकर खड़ा है ढाल बिरादर के सामने, बनकर। और ये शेर जो मैं आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ, उम्मीद है कि ये शेर आप अपने साथ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। बनकर खड़ा है ढाल बिरादर के सामने, अच्छा है दूर दूर ही हमसे रहे फुरात, अच्छा है दूर दूर ही हमसे रहे फुरात, प्यासे ही जाए साकी कौसर के सामने,